सर आपके कल के बनारस की फ्लाइट की बिजनेस क्लास टिकट बुक कर दी है और शर्मा इंडस्ट्री की डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। गुड, कल जाकर मैं महाशिवरात्रि को शिव के दर्शन कर लूंगा और आकर डील पर साइन करूंगा। वेरी वेल सर। आज कौन कौन से मीटिंग्स हैं? सर आज भंडारी के साथ 12:30 बजे, त्रिपाठी जी के साथ लंच और 5 बजे सेल्स स्टाफ मीटिंग। ओके, मुझे भंडारी अकाउंट के ब्रीफ्स मेल कर देना। और कुछ? सर वो आपके मम्मी जी के बार बार फोन आ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे कह देना उनका बेटा ऑफिस में काम करने के लिए आता है, मुझे डिस्टर्ब ना करें। सर आप एक बार उन्हें रुद्र के आंख दिखाने पर ही पंकज की बोलती बंद हो गई। उधर प्रताप मेंशन में सब लोग चिंता में पड़े हुए थे। ओफो, ये कैसा लड़का है आपका, हमसे बात भी नहीं कर सकता 2 मिनट। अरे क्यों ऑफिस में उसको परेशान कर रही हो, ऐसी भी क्या जल्दी है, जब घर आएगा तो बात कर लेना उससे। क्योंकि मुझे उससे बेहद जरूरी बात करनी थी, जब तक उससे बात नहीं हो जाती मैं एक पल भी चैन से नहीं बैठ सकती। आखिर ऐसी क्या बात है? वो जो लड़की रुद्र ने उस दिन पसंद की थी ना। हाँ, उसका क्या? वो विधवा है। क्या? लेकिन महंत जी से इतनी बड़ी भूल हुई कैसे? आश्रम के किसी कर्मचारी की लापरवाही की वजह से लड़कियों की फोटो पुनर्विवाह के योग्य विधवाओं की तस्वीरों के साथ मिल गई हैं। अभी आश्रम से माजी का फोन आया कि आराध्या बनारस में रहने वाली एक विधवा है। हे भोलेनाथ, ये क्या अनर्थ होने वाला था। और हमें जल्द से जल्द रुद्र को सब कुछ बताना होगा, लेकिन वो है कि हमसे बात भी करने का वक्त नहीं निकाल रहा। मालिक, रुद्र भाईसा ने कहलवा भेजा है कि उन्हें किसी बिजनेस के लिए बनारस जाना पड़ रहा है और वो कल शिवरात्रि की उपासना करने के बाद ही वहाँ से लौट पाएंगे। हे भोलेनाथ, आप तो मेरे लिए कठिनाइयां बढ़ाते ही जा रहे हैं, अब मैं क्या करूं? अगले दिन बनारस में। ओह, बस अब कुछ घंटों की बात है और ये बला हमारे जीवन से निकल जाएगी। ओहो, देखकर ऐसा लग रहा है मानो आपकी ही लाडली बेटी की शादी हो रही हो। अपना चेहरा ठीक कर लो और ये रोना धोना सब बंद, वो लोग बस आते ही होंगे। आइए आइए। तेरी फोटो देखकर मैं पागल हो गया था, और आज ये फिगर, तुझे नहीं पता तू मेरे कितने दिन की भूख को आज मिटाने वाली है। आराध्या, कहाँ भाग रही है? अभी के अभी यहाँ लौट आओ। क्या आराध्या उस बुरे आदमी के चुंगल से बच पाएगी या फिर उस अनचाहे बंधन में बंधने पर मजबूर हो जाएगी? जानने के लिए देखते रहिए बनी मचेली दुल्हन।